हिमाचल और केंद्र सरकार के साझा उपक्रम सतलुज जल विद्युत निगम SJVN का दावा है कि वर्ष 2022-23 तक नेपाल से भारत में बिजली की सप्लाई होने लगेगी। SJVN की नेपाल से भारत में SJVN की नेपाल में निर्माणाधीन 900 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना से यह बिजली आएगी। SJVN के KCND नंदलाल शर्मा का दावा है कि यह तय समय में निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही नेपाल से भारत सीमा तक 217 किलोमीटर लंबी 400 केवी की डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन बनाने का कार्य भी पूरा किया जाएगा। नंदलाल शर्मा ने कहा कि भारत से बिहार और इसके पड़ोसी राज्य को बिजली दी जाएगी, जबकि MOU के तहत नेपाल को 21.9% बिजली मुफ्त दी जाएगी। शेष बिजली नेपाल से भारत को निर्यात की जाएगी, यानी कि इस परियोजना से नेपाल को मुफ्त में 21% बिजली मिलेगी, जो कि नेपाल के विकास में तेजी लाएगी। इस परियोजना में बिजली उत्पादन शुरू होने से न केवल नेपाल में बिजली की मांग पूरी होगी, बल्कि लोगों को रोजगार मिलेगा। इसका लाभ भारत को भी मिलेगा, नेपाल के लोगों को इसमें रोजगार मिल सकेगा। केंद्र के साथ साथ हिमाचल सरकार को भी राजस्व का लाभ होगा। नंदलाल शर्मा का कहना है कि परियोजना निर्माण में कठिनाइयां भी आ रही हैं, लेकिन तमाम परेशानियों के बीच तय समय में लक्ष्य को पूरा किया जाएगा, जो कि नेपाल भारत संबंध के लिए और दोनों देशों के हितों के लिए एक अच्छी खबर है।